अगर आप जाइज कंपनी का लेंस यूज करते हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि उनका जो FSB लेंसेस है, FSB में जो पहले FSB नॉर्मल लेंसेस आता था उसमें डूराविजन ब्लू प्रोटेक्ट करके लेंस आया है, और जो नया लेंसेस अभी लॉन्च हुआ है क्लियर व्यू, उसमें ब्लू गार्ड लेंसेस आया है, ब्लू प्रोटेक्ट वहाँ पे नहीं है। बाकी जो ब्लू गार्ड लेंसेस है आपको सिर्फ मिलेगा RX लेंसेस में, FSB में मिलेगा तो सिर्फ जो क्लियर व्यू लेंसेस है उसमें मिलेगा, ना कि जो नॉर्मल पहले जो आता था। तो आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ब्लू प्रोटेक्ट लेंसेस में और जो हमारा ब्लू गार्ड लेंसेस है जाइज का, दोनों के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों तो कालजीज कंपनी का ही है और दोनों का खासियत क्या है कि एक है ब्लू प्रोटेक्ट और दूसरा है ब्लू गार्ड, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो ऑल, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट हूँ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आई केयर एक्सपर्ट। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच आपका। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो दोस्तों, मेरे सामने दो लेंसेस पड़े हुए हैं, एक हमारा जाइज डूराविजन ब्लू प्रोटेक्ट लेंसेस, दूसरा है हमारा जाइज ब्लू गार्ड लेंसेस। ओके, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डूराविजन ब्लू प्रोटेक्ट लेंसेस है वो कैसे है। सो देखेंगे आप तो एक्चुअली जो 60% लाइट है ना, 60% लाइट ये हमारा मतलब प्रोटेक्ट करता है 40% लाइट को जाने देता है, मतलब 60% लाइट को जो है वो ब्लॉक करता है, 40% लाइट हमारी चली जाती है। बेसिकली ये हमारा ब्लू फिल्टर लेंसेस है, ठीक है। 100% ब्लॉकिंग तो चाहिए नहीं अपने को, चाहिए ब्लू फिल्टर ही। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये 90% लाइट को ब्लॉक करता है, सिर्फ 10% लाइट को अलाउ करता है। देखिए 90% ब्लॉक, 10% लाइट ही आपको खाली आर पार जाती हुई दिखेगी। ये डिफरेंस होता है ब्लू प्रोटेक्ट और ब्लू गार्ड लेंसेस के बीच में, क्योंकि दोनों में टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, दोनों का फिल्टरिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ब्लू लाइट, इट इज एवरीवेयर, इट सराउंड्स अस, इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, एस्पेशियली आवर न्यू नॉर्मल लाइव्स। We just replaced the typical studio equipment with the digital devices to show the intensity and blue light of them. No matter who you are, no matter your age, you are exposed to blue light. This is particularly pronounced in the case of the screens of digital devices. I'm always looking at screens. 我是只用我的眼睛休息，但是还是不行。 Lo si prende sempre in mano. The blue light is known to be partly responsible for perceived digital eye strain. Cette lumière artificielle, tous les soirs quand je rentre chez moi, je les ai tellement fatigués. Zeiss Blue Guard lenses perfectly address these challenges. These new lenses block up to 40% of potentially harmful and irritating blue light, compared to Zeiss blue light blocking coatings. Annoying reflections are reduced by up to 50%. Zeiss Blue Guard lenses, a new blue light protection for the new normal. सो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया है और जो कंपनी का ट्रेलर वीडियो था, दोनों देखने के बाद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ब्लू गार्ड लेंसेस और ब्लू प्रोटेक्ट लेंसेस में क्या डिफरेंस है एक्चुअली। बट लगता है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं हूँ ना, आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं आपके हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।